नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा सह आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक द्विपरमाणु कणों के कंपन ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, आज हम देखेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द्वि परमाणु कणों के कंपन ऊर्जा स्तर किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका क्या कारण है। सामान्य परिस्थितियों में हमें पता है कि द्वि परमाणु कणों अपने स्वतंत्र अक्षीय प्रति घूर्णन कर सकता है। जब द्वि परमाणु कणों को ऊर्जा दी जाती है तो वह अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने लगता है। इस प्रकार जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। परंतु यदि ताप में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो अणुओं के परमाणुओं के मध्य जो बंधन बल होता है वो ढीला हो जाता है, अर्थात वीक हो जाता है, जिससे अणु घूर्णन के साथ साथ वाइब्रेशनल कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन, अर्थात वाइब्रेशनल मोशन का मतलब कंपन गति भी करने लगता है। उनके बीच की दूरी जो है वो निश्चित नहीं रहती, वो परिवर्तित होती है वाइब्रेशन के कारण से, क्योंकि वो टेम्परेचर से बाइंडिंग फोर्स जो है वो ढीले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। द्वि परमाणु कणों की कंपन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना अणु M तथा M2 के दो परमाणु दृढ़ता से बंधे नहीं है तथा कंपन की दृष्टि से ये देखिए जैसे चित्र 7 में दिखाया गया है, स्प्रिंग जैसे बल द्वारा दोनों बंधे हुए, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग भी वाइब्रेट करती है, उसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि वो भी दोनों परमाणु जो है स्प्रिंग जैसे बल द्वारा बंधे हुए और कोई बल नियतांक उसका के है। दोनों परमाणुओं के मध्य लगने वाला बंधन बल का मापन करता है, के जो है दोनों के मध्य लगता है। जैसे मान लीजिए M1 है, M2 है, ठीक है, और यहां पर अगर दूरी परिवर्तित हो जाती है तो आपके ये हो जाता है R, R0 से R परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात R0 से RV, अर्थात दूरी में परिवर्तन, दोनों के मध्य जो दूरी में परिवर्तन है वो आया R-R0। इस प्रकार से जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल है वो कितना हो जाएगा, F = -KX होता है, इस पे X कितना हो गया R-R0। तो जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल है वो हो जाएगा F = -KR-R0, क्योंकि दोनों में दूरी में इतना परिवर्तन हुआ है। अब परमाणुओं की गति की समीकरण यदि देखें तो एक नंबर परमाणु की गति का समीकरण m1 d2 r1 / dt2 - kr - r0, m2 d2 r2 / dt2 - kr - r0, जहां r1 तथा r2 अणु के द्रव्यमान केंद्र से परमाणु की दूरी है। R1 प्लस R2 जो है R के बराबर होता है और M1 R1 = M2 R2। इस प्रकार से R1 का मान भी निकाला जा सकता है और यहां से R2 का मान भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार अगर है इनका हम उपयोग करें समीकरण 1 और 2 में, ये जो हमारी समीकरण 1 और 2 में है, इन आर्गुमेंट्स का अगर उपयोग करें तो हमारी समीकरण बदलकर बन जाती है M1 M2 / M1 + M2 d2 r / dt2 = -kr - r0, या M1 M2 / M1 + M2 d2 r - r0 / dt2 = -kr - r0। हमें पता है कि M1 M2 / M1 + M2 = μ होता है, समानित द्रव्यमान होता है, और r - r0 x के बराबर होता है। ये अगर माना जाए उस स्थिति में जो द्वि परमाणु कणों के कंपनित गति के चिर संबंध समीकरण है ये हो जाएगी μ d2x / dt2 = -kx। ये समीकरण आपके पास में आ जाती है कंपनित गति के कारण से, और इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं d2x / dt2 + ω02x = 0, जहां ओमेगा 0 जो है वो K/μ हो गया, ये सरल आवर्त गति की तरह से होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी जहां, और ओमेगा 0 जो है
द्वि परमाणु कणों में परमाणुओं की कंपन गति सरल आवर्त गति होती है जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा जीरो बराबर अंडर रूट के बाई म्यू होगा। द्वि परमाणु कणों में हमने क्या देखा, परमाणुओं की जो कंपन गति होती है वो सरल आवृत्ति होती है जिसकी कोणीय आवृत्ति निम्न होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अणुओं की अन्य ऊर्जाओं की भांति कंपनिक ऊर्जा भी क्वांटीकृत होती है। अन्य ऊर्जाओं की भांति कंपनिक वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अणु के अनुमत अलाउड कंपनिक ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के मान अणु के लिए प्रयुक्त श्रोडिंगर समीकरण को हल करके प्राप्त किए जा सकते हैं। यह समीकरण निम्न है। समीकरण क्या हो गया, श्रोडिंगर समीकरण डी टू साई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ म्यू ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, जहां ई अणु की कुल कंपन ऊर्जा है। ठीक है, इसको हम पहले देख चुके हैं, इस प्रकार का जो हल है हमने पहले किया है। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को वाला जो श्रोडिंगर समीकरण है इसका हल हमने किया था, उसके अनुरूप श्रोडिंगर समीकरण को हल करते हैं तो उसी के अनुरूप जो अपना हल है, जैसे पहले हमने किया था सरल आवृत्ति दोलित्र के लिए e बराबर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा जीरो आता है। कुल कंपनिक ऊर्जा जो है e न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ, जैसे n प्लस हाफ होता है ऐसे न्यू प्लस हाफ। कंपनिक ऊर्जा जो है यहां पर इस प्रकार से यहां आता है, जहां हमने क्या किया, कंपन ऊर्जा स्तर के लिए क्वांटम संख्या के लिए संकेत जो है न्यू का उपयोग किया। इस प्रकार से जहां न्यू बराबर जीरो एक दो तीन हो सकता है, कंपन क्वांटम संख्या कहलाती है। न्यू क्या कहलाती है, कंपन क्वांटम संख्या कहलाती है। ओमेगा जीरो का मान रखने पर अणु के कंपनिक ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर के संगत प्राप्त होते हैं, एच क्रॉस ओमेगा न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो। ये एक्चुअल में यहां पर मिस हो रहा है पार्ट। ठीक है, कुल कंपनी ऊर्जा हो गई आपके, और ऊर्जा जो है एक्चुअल में एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है, जो आपके हो जाएगा ई न्यू जो है न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस अंडर रूट के बाई म्यू। अणु की कंपन ऊर्जा का न्यूनतम मान न्यू बराबर जीरो के संगत होता है, यह मान शून्य बिंदु जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाता है। ई जीरो बराबर हाफ एच क्रॉस अंडर रूट के बाई म्यू, हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो, हाफ एच क्रॉस हाफ एच न्यू जीरो। कंपन क्वांटम संख्या न्यू के विभिन्न मानों के लिए कंपन ऊर्जा स्तर चित्र आठ में दिखाए गए हैं। चित्र आठ में हम क्या देख रहे हैं, द्वि परमाणु कणों के कंपन ऊर्जा स्तर v वर्सेस x जो कर्व होता है जिस प्रकार से होता है हमें पता है। अब यहाँ पे जो कंपन ऊर्जा स्तर है जो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देखिए आप, न्यू बराबर जीरो के लिए, न्यू बराबर एक के लिए, न्यू बराबर एक के लिए, इसी तरह से ये अलग अलग लेवल्स जो है वो कंपन ऊर्जा स्तर यहाँ पर दिखाए गए हैं। कंपन क्वांटम संख्या न्यू के विभिन्न मानों के लिए कंपन ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। इस चित्र में द्वि परमाणु कणों की स्थिति ऊर्जा को भी साथ में, इसमें स्थिति ऊर्जा को भी साथ में दिखाया गया है। जब तक कंपनिक स्थिति ऊर्जा को परवलयाकार पैराबोलिक माना जा सकता है, अर्थात जब तक वी एक्स बराबर हाफ एक्स के एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, तब तक कंपनिक ऊर्जा e न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो होती है, और क्रमागत कंपन क्वांटम संख्या वाले कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल e न्यू प्लस वन माइनस e न्यू बराबर एच क्रॉस अंडर रूट के बाई न्यू एच क्रॉस ओमेगा जीरो समान प्राप्त होते हैं। यह अंतराल अणु के समानित द्रव्यमान म्यू तथा बंधन बल नियतांक के पर निर्भर होता है। कंपन क्वांटम संख्या न्यू के उच्च मानों के लिए कंपनिक ऊर्जा स्तरों में अंतराल कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि द्वि परमाणु कणों में परमाणुओं के मध्य दूरी अधिक हो जाने पर स्थितिज ऊर्जा वक्र
परवलयक नहीं रहता है, अर्थात जो आपके पास में जो दूरी है परमाणुओं के मध्य, अगर दूरी अधिक हो जाती है उस स्थिति में जो वक्र है वो परवलयाकार नहीं रहता है। स्थितिज ऊर्जा वक्र को अहार्मोनिक पद होने के कारण उच्च न्यू के मानों के लिए ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल कम हो जाता है। न्यू के मानों के लिए ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतराल कम हो जाता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, यहीं से अगर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को समझे कि द्विपरमाणु कणों की कंपनित ऊर्जा स्तर हमने निकाला ई न्यू बराबर हाफ एन न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो। न्यू आपके कंपन क्वांटम संख्या है, ओमेगा जीरो अंडर रूट के बाई म्यू है। ये ऊर्जा स्तर बराबर दूरी पर होते हैं अणु के, इन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से कंपनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक HCl के अणु के लिए बल नियतांक के बराबर इतना 516 न्यूटन पर मीटर, और 1H35Cl अणु का समानित द्रव्यमान 1.63 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। इन मानों का अगर उपयोग करें के और म्यू का, तो ओमेगा जीरो का मान ये आता है, न्यू जीरो का मान ये आता है, लैम्डा जीरो का मान। यह तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में आता है। ये जो 3.35 माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, अतः यहाँ से ये सिद्ध होता है कंपनिक स्पेक्ट्रम अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। कंपनित ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए आवश्यक होता है कि अणु के परमाणु जब विस्थापित होते हों तब अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अवश्य बदले। फिर सम्मत सिद्धांत के अनुसार कंपन कर रहा विद्युत द्विध्रुव समान आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि कंपन कर रहे अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है तब वह अणु विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है और कंपनित ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण हो सकता है। द्विपरमाणु कणों के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के दौरान अणु एक समय में केवल एक फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, इसलिए अणु द्वारा एच क्रॉस ओमेगा जीरो या एच न्यू जीरो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अर्थात इसमें अणु की ऊर्जा ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जीरो एंड ई न्यू प्लस वन न्यू प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा जीरो तक बढ़ जाती है। यदि एच जीरो एच क्रॉस ओमेगा जीरो एंड एच न्यू जीरो ऊर्जा वाले फोटोन का उत्सर्जन होता है तो अणु की ऊर्जा ई न्यू माइनस वन से कम हो जाती है, अधिक या कम, अर्थात डेल्टा न्यू में प्लस माइनस एक का अंतर आता है, जो कि हम इस फिगर से आराम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से सामान्य रूप से अगर अपन देखें जो बनाते हैं हम एनर्जी लेवल्स, न्यू बराबर जीरो पे हाफ एच न्यू जीरो, वन पे 3/2, टू पे 5/2, तो इस प्रकार से इनमें जो अंतर है जो अवशोषण और उत्सर्जन में होता है वो हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक स्पेक्ट्रम रेखा इस प्रकार से डेल्टा न्यू का जो अंतर होता है वो प्लस माइनस वन होता है। कंपनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का वरण नियम कहलाता है। ये नियम क्या कहलाता है? वरण नियम कहलाता है, सिलेक्शन रूल्स होता है, क्योंकि यही ट्रांजिशन पॉसिबल है, यही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। वरण नियमों के में डेल्टा न्यू बराबर वन होता है तो अवशोषण होता है और माइनस वन होता है तो उत्सर्जन होता है का पालन करते हुए अणु के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण चित्र में दिखाए गए हैं। हार्मोनिक स्थितिज ऊर्जा वक्र मानने पर इन सभी संक्रमणों से स्पेक्ट्रम में केवल एक लाइन प्राप्त होती है जिसकी आवृत्ति न्यू जीरो होती है, एक ही लाइन प्राप्त होती है। कंपनिक ऊर्जा को तरंग संख्या के पदों में लिख सकते हैं, और जो वाइब्रेशनल टर्म होती है वो जी न्यू इक्वल टू ई न्यू अपॉन एच सी इक्वल टू न्यू प्लस हाफ न्यू बार। न्यू बार होता है न्यू जीरो पॉइंट टू ओमेगा जीरो पॉइंट टू पाई सी, और न्यू से न्यू प्लस वन में संक्रमण अगर होता है तो आपके जी न्यू
प्लस वन माइनस जी न्यू होता है जो कि न्यू बार के बराबर होता है। अधिकांश अणु जो विद्युत द्विध्रुव दोलित्र की भांति व्यवहार कर सकते हैं से उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों की आवृत्तियां विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र के किसमें होती है? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। शुद्ध कंपनिक स्पेक्ट्रम केवल ध्रुवों द्वारा प्राप्त होता है जिसमें अंतर आणविक बलों के कारण घूर्णन संभव नहीं होता। जहां घूर्णन नहीं होगा वो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम वहां मिलेगा, अन्यथा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बनता है जो कि हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होता है, इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर बनेंगे।